हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ बायो के कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल पास में हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ is maintained by the process of, तो इसका सही आंसर है reproduction। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, in mammals the testes are located in, तो जो mammals में testes होते हैं ना वो extra abdominal cavity में located होते हैं। उसके बाद आपका next question है, temperature of scrotum as compared to abdominal cavity is less by, तो इसका आंसर है थर्ड 3 डिग्री सेल्सियस। तो जो जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए जो स्क्रॉटम होते हैं वो आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लोकेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है दूसरा सेमिनेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर, तो इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। फर्टिलाइजेशन मेनली टेक प्लेस एट, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला में होता है। नेक्स्ट है आपका, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाई, तो जो ये रिफ्लेक्स होता है वो फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा दोनों से होता है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ। ऑक्सीटोसिन इज मेनली हेल्प इन, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो मेनली चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, जो मिल्क प्रोडक्शन में आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन वर्क करता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, तो इसका सही आंसर है कैस्टर। नेक्स्ट है आपका, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है आपका कि इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ एंथर, इसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए। नेक्स्ट है आपका, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टाल प्लांट ऑफ एफ्रो जनरेशन मेंडल परफॉर्म्ड, तो उन्होंने इसके लिए टेस्ट क्रॉस किया था, जो टेस्ट क्रॉस होता है उससे हम प्लांट का जीनोटाइप डिसाइड करते हैं। फिर आता है, जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज, इसको हम एलील्स कहते हैं। फिर है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द प्रोसेस ऑफ, इसका आंसर है मियोसिस। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी इज एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सही आंसर है कोडोमिनेंस। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये, अगर हम मेंडल के हिसाब से बात करें तो ब्लड ग्रुप में या तो ए आना चाहिए या तो बी आना चाहिए डोमिनेंस के हिसाब से, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें ए और बी दोनों एक साथ आते हैं, तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। फिर है, व्हेन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द F1 डज नॉट मैच टू एनी ऑफ द पेरेंट एंड शोज कैरेक्टर इन बिटवीन द टू, दिस इज, तो इसका आंसर है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स यूज्ड बाय TH मॉर्गन, तो इसका सही जवाब है फ्रूट फ्लाई। फिर आता है, ZZ या ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, तो जैसे हमारे में XX फीमेल में होता है और XY मेल में होता है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उनमें जो डिसाइड करता है बेबी का सेक्स वो मेल होता है, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उसमें फीमेल डिसाइड करती हैं कि जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो जो मेल बर्ड होते हैं उनमें जेड
जेड होता है और जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उनमें जेड डब्ल्यू होता है। नेक्स्ट, ये तो बहुत फेमस है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, तो इसका सही जवाब है मेंडल। फिर है द जीन्स लोकेटेड इन द क्रोमोजोम डू नॉट सेपरेट एंड आर इनहेरिटेड टूगेदर ओवर इट्स जनरेशंस ड्यू टू, तो इसका सही जवाब है लिंकेज। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम, तो इसमें जब एक्स एक्स या फिर एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई आ जाता है तो इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। फिर आपका ये कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो इससे बनता है एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस, ये तो सबको पता होगा, इससे लैक्टिक एसिड बनता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो इससे बनता है साइक्लोस्पोरिन ए। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, तो इससे बनता है ब्यूटारिक एसिड। फिर है एस्परजिलस नाइजर, तो इससे बनता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद पूछा जाता है हैवरिंग एज, इसको हम स्टेन्स कहते हैं। क्लॉट बस्टर होते हैं, वो किससे होता है, तो वो स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। क्लियरेंस ऑफ बॉटल जूस, तो जो आपके जितने भी ये जूसेस होते हैं जो पैक होके आते हैं उनमें पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीजेस मिलाया जाता है। फिर आता है आपका, पूछा जाता है कि बायोगैस और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो इसमें CH4 प्लस CO2 प्लस H2, मतलब इसमें जो मीथेन गैस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर CO2 और फिर हाइड्रोजन गैस। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिड्स एंड मॉस्क्यूटो कंट्रोल्ड बाई, तो इसमें ये NCERT की लाइन है, इसका आंसर है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। आपका एक कनेक्शन होता है, ये माइकोराइजा जिसको कहते हैं, ये फंगस और हायर प्लांट्स में होता है और इसमें ग्लोमस स्पीसीज यूज होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिकुलर सीजर्स किसको कहते हैं, तो इसका सही जवाब है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरियल सेल, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर पूछा जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं जो लिंक और जोड़ने का काम करते हैं उनको हम DNA लाइगेज कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, तो इसका जवाब है न्यूक्लिएसेस। टेक्निक यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं इस प्रोसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसमें इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट फ्रॉम एग्रोज जेल, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन। pH ऑफ बैसिलस इंसेक्ट, वो होती है एल्कलाइन। फिर पूछा जाता है कि कुछ जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए टॉक्सिन देते हैं वो क्या काम करता है जिससे जो इंसेक्ट्स आपके होते हैं वो मर जाते हैं, तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड करते हैं और उनमें पोर्स कर देते हैं जिससे इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। फिर पूछा जाता है कि एक निमेटोड होता है मेलॉयडिगानी इनकोग्निशिया, तो ये जो टोबैको की रूट्स होती हैं उनसे बाइंड करता है और उनको इन्फेक्ट करता है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।